नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सोनालिका DI 750 ट्रैक्टर के जलवे। ये सोनालिका ट्रैक्टर है, 2020 मॉडल का ट्रैक्टर है। आप देख रहे हैं झालरों से लदा और सजा यह ट्रैक्टर। बहुत ही कम उम्र का चालक इसे चला रहा है और बैक गियर में इसको भारी वजन के साथ पीछे ले जा रहा है। किस तरह बहुत शार्प स्टीयरिंग है इसका, सिंगल हैंड कंट्रोल स्टीयरिंग के साथ यह लड़का इस ट्रैक्टर को पीछे ले जा रहा है। इस ट्रैक्टर में भारी बोझा है, ईंट लदी हुई है और काफ़ी दूर से यह ट्रैक्टर यहां आया हुआ है। यह झाझर कस्बे का वीडियो आप देख रहे हैं, झाझर बुलंदशहर का कस्बा है और यह मथुरा ज़िले से ईंट भरकर लाया है ट्रैक्टर वाला। आइए हम इससे बात करेंगे, इस ट्रैक्टर की खासियत और इस ट्रैक्टर को चलाने के बारे में उसके अनुभव आपके बीच शेयर करेंगे। आप यह तो देख रहे हैं कि यह ट्रैक्टर बहुत आसानी से कार की तरह बैक हो रहा है और सिंगल हैंड से यह चालक इसको बहुत आसानी से ड्राइव कर पा रहा है। सोनालिका DI 750 चार सिलेंडर ट्रैक्टर है, 2020 का मॉडल है। हमने इस ट्रैक्टर को चलाने वाले चालक से बात की। आप इसके पीछे भी देखें, एक और ट्रैक्टर है जो ईंटों से भरा हुआ है, यह भी सोनालिका DI 750 ट्रैक्टर है। यह ट्रैक्टर हाईवे पर भारी वजन लेकर फर्राटा दौड़ भर सकता है। आइए सुने इस ट्रैक्टर की तारीफ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सलाउद्दीन जी। सलाउद्दीन? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो सलाउद्दीन? जेवर। जेवर के रहने वाले हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ ईंट कहाँ से लाए हो तुम इसमें? नौजिल बाजना। नौजिल बाजना से? हाँ जी। काफी दूर है नौजिल बाजना? हाँ जी, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर दूर? हाँ जी। कितना वजन होगा इस ट्रैक्टर की ईंटों में? इसमें जी 26 टन वजन। 26 टन वजन है? हाँ जी। अच्छा, ये ट्रैक्टर तुम्हारा कौन सा है? सोनालिका 750। सोनालिका 750? हाँ जी। कौन सा मॉडल है इस ट्रैक्टर का? 20 मॉडल है जी। 2020? हाँ जी। अच्छा, इसी साल का ट्रैक्टर है ये तो? इसी साल का जी। अच्छा, कितने सिलेंडर है भाई ये? ये 4 सिलेंडर में जी। 4 सिलेंडर में? हाँ जी। अच्छा, क्या कीमत मानो इस ट्रैक्टर की, नए की? इसकी जी 7 कुछ है। 7 लाख रुपए के आसपास? हाँ जी। अच्छा, तो इससे आप क्या क्या काम करते हो इस ट्रैक्टर? इससे जी खेती बाड़ी कर लेते हैं, बस वैसे लोडिंग में काम कर लेते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में क्या काम करते हो इससे आप? खेती बाड़ी में जी जुताई करते हैं इससे। जुताई में कितना, एक घंटे में कितनी जुताई करता है? एक घंटे में कर देता है जी कोई 5-6 बीघा जोत देता है, और ज्यादा ही 10-11 बीघा जोत देता है। 10 बीघा खेत जोत देता है? हाँ जी। तेल कितना लेता है ये? तेल तेल खाएगा 12 लीटर करीब। 12 लीटर तेल खाएगा जी। अच्छा, ये वजन जो आप ढोर के ला रहे हो इसमें घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, कितना तेल लेता है? एक घंटे में जी ये चलता है, पक्के पे कम खाता है तेल, ये पक्के पे कोई 7 लीटर में चलता है, एक घंटा चल जाता है 7 लीटर में। 7 लीटर तेल में एक घंटा चल जाता? हाँ जी। और कितने किलोमीटर चल जाता है पक्के पे, बढ़िया रोड होते हैं घंटे में? बढ़िया रोड पे चल जाता है जी ये कोई 60-65 किलोमीटर चल जाता है, और ज़्यादा 17 चल जाता है। अच्छा, 80 के करीब चल जाता है। 2000 कितनी है? मेरी 18 साल है जी। कितने दिन से चला रहे हो ट्रैक्टर? मुझे 6 साल हो गए जी। 12 साल से ट्रैक्टर चला रहे हो? हाँ जी। तो पहला ट्रैक्टर तुमने यही चलाया सोनालिका, कुछ और भी कोई ट्रैक्टर? नहीं, पहला आयशर चलाया था। आयशर चलाया था? हाँ जी। तो आयशर ट्रैक्टर को चलाने में और इस ट्रैक्टर चलाने में क्या क्या महसूस करते हो, क्या अंतर है? अंतर तो मुझे बड़े ट्रैक्टर में चलाने में मजा आवा, आयशर तो खाली वैसा ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा, ये ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टरों में ऐसे आता है? हाँ जी। 4 सिलेंडर का है ट्रैक्टर? हाँ जी, 4 सिलेंडर है। अच्छा, इसमें आपने ये रेडियो वेडियो भी लगा रखा है, म्यूजिक भी सिस्टम लगा रखा है? हाँ जी। चला के दिखाओगे इसको म्यूजिक सिस्टम को? चल जाएगा? ब्लूटूथ कनेक्ट है जी। अच्छा, ब्लूटूथ से कनेक्ट है? हाँ जी। अच्छा, ये इस ट्रैक्टर की और कोई खास बात बताओ सोनालिका ट्रैक्टर की। इसकी खास बात ये, इतना उठता नहीं है वजन पे। अच्छा अच्छा, और जम के चलता है? जम के चलता है। कितना अधिक से अधिक वजन ले जा सकता है ये ट्रैक्टर? इसकी लिमिट 30 टन तक ले जा सकता है जी। 30 टन तक ले जा सकता है। और कोई इसके गियर बक्सा में कोई खास कोई आप महसूस करते हो कि ये चीज़ और अच्छी होनी चाहिए, वो क्या बताएंगे आप? नहीं, अब तो जी कुछ भी नहीं है, बस हाँ हल्का इसके बस खाली बिन में वो डालना चाहिए। क्या जो इनके वे हैं, ये गियर बक्से जो हैं थोड़ी आवाज़ करते हैं टॉप में, टॉप गियर में थोड़ा सी आवाज़ करते हैं? हाँ जी।
अच्छा, और बाकी इसका माइलेज कैसा है? माइलेज भी एकदम बेहतरीन है। और इसका खर्चा क्या है? खर्चा खर्चा वो ज़्यादा नहीं, वहाँ ये खर्चा वैसे ज़्यादा नहीं है इसका। तुम इस ट्रैक्टर को तुम ही चलाते हो, कोई और भी चलाता है? ना, ये छोटा भाई भी चलाता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है छोटे भाई का तुम्हारे? फिरोज खान। क्या नाम है? फिरोज खान। फिरोज खान, अच्छा। हाँ जी। तो और कुछ बताओ ट्रैक्टर चलाने के अनुभव, इसको किस तरह से बढ़िया तरीके से रखरखाव किया जाए इसे ट्रैक्टर का? ट्रैक्टर का ये बढ़िया तरीका से तो क्या, खाली ट्रैक्टर की सेफ्टी यही है। तेल पानी का ख्याल रखा जाए? हाँ, तेल पानी आधी टंकी तो रहनी चाहिए तेल का। अच्छा अच्छा, कितनी टंकी में इसकी कितना तेल आता है? इसके बाद है 42 लीटर। 42 लीटर तेल आता है? हाँ जी। अच्छा, इसमें जो है ये लाइट इसकी बढ़िया है सड़क पर चलने में? हाँ, सामने की हाँ रोशनी सही है लाइट। तो आपने देखा और सुना सोनालिका DI-750 ट्रैक्टर के बारे में। हम लगातार आपके बीच देसी विदेशी नए और पुराने ट्रैक्टरों को चलाने वाले चालकों के अनुभव आपके बीच शेयर कर रहे हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी ट्रैक्टर, जनरेटर और कार बाजार से संबंधित अनेक वीडियोज हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर, जनरेटर और कार बाजार सहित कामकाजी बाजार की अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।